एक्सरसाइज 2.4, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है पहले आप उसे लिखेंगे, उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म ये आपको पहले भी चैप्टर 1 में सिखाया गया है. फर्स्ट नंबर लिखेंगे यहाँ पर जो भी नंबर दिया हुआ है उसको, उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 उतनी ज़ीरो लगानी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर प्लस का साइन. उसके बाद 8 लिखा, 8 के बाद 5 डिजिट्स हैं तो 50 प्लस, ये 6 लिखा, 6 के बाद 4 डिजिट्स हैं तो 40 प्लस, फिर 9 लिखा हमने, 9 के बाद 3 डिजिट्स हैं 30 प्लस. 0 को आप लिख भी सकते हैं और अवॉइड भी कर सकते हैं. उसके बाद हमने लिखा 2, 2 के बाद बचता है सिर्फ एक डिजिट तो 10 और लास्ट में है 7, 7 के बाद देखिए कोई भी डिजिट नहीं है तो 7 को एज इट इज़ लिख दिया. ये आपको चैप्टर 1 में भी समझाया गया था, तो सेम वही क्वेश्चन है ये, ठीक है. जैसे 7 वंस पर है तो वंस पर 7 का 7 रहेगा, 2 टेंस पर है, टेंस के प्लेस पर है और टेंस में 10 आती है तो 10. फिर 0 को लिख भी सकते हैं या इसे छोड़ भी सकते हैं. 9 है 1000 के प्लेस पर और 1000 में आती है यहाँ पर 3 डिजिट तो 30 लगा दी. आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो गलती होने के चांसेस आपके कम ही रहेंगे. यानी एक एक डिजिट उतारते जाइए और उसके बाद जितनी डिजिट बचती हैं उतनी उतनी ज़ीरो आप लिखते जाइए. तो सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म इन वर्ड्स. सेकंड क्वेश्चन में भी इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखना है लेकिन वर्ड्स में. अभी इस क्वेश्चन को फिगर में लिखा था और इस क्वेश्चन को वर्ड्स में लिखना है. ये है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन उतारा, अब उसके बाद देखिए 6 किस प्लेस पे है. 1, 10, 100, 1000, 10000, 1,000,000, 10,000,000. आपको पहले तो डिजिट ही लिखनी है जैसे कि सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में किया, बिल्कुल वैसे ही करना है. 6 लिखेंगे आप, प्लस का साइन लगाकर 2 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लगाकर 9 लिखेंगे. यानी एक एक डिजिट आपको लिखनी है. उसके बाद आपको 0 ना लिखकर उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, यानी वो किस प्लेस पर है. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,000,000, 10,000,000. तो 6 जो है वो 1,000,000 के प्लेस पर है, इसलिए हमने 6 के बाद लिखा 1,000,000. 6, 1,000,000. उसके बाद 2 की टर्न है. अब 2 किस प्लेस पे है. 1, 10, 100, 1,000, 10,000,000. 2,00,000 के प्लेस पर है तो हमने यहाँ पर लिखा लैक्स, 2,00,000 प्लस. अब है 9 की टर्न, तो 9 किस प्लेस पर है. 1, 10, 100, 1,000, 10,000. 9 जो है वो 10,000 के प्लेस पर है तो हमने लिखा 9, 10,000s. उसके बाद है 4. 4 किस प्लेस पर है. 1, 10, 100, 1,000s. 4,000 के प्लेस पर है इसलिए 4 के बाद हमने लिखा 1,000 प्लस. अब बचता है ये 8. 8 किस प्लेस पर है. 1, 10, 100. 8 जो है वो 100 के प्लेस पर है इसलिए हमने 8 के बाद लिखा 100 प्लस. 0 टेंस के प्लेस पर है तो 0 टेंस भी लिख सकते हैं, 0 टेंस, या उसे अवॉइड कर भी सकते हैं. 8 लिखा, 8 किस प्लेस पर है. वंस के प्लेस पर तो 8 के बाद लिखा हमने वंस. 8 वंस, 8 हंड्रेड्स, 4,000s, 9 10,000s, 2,00,000, 6 10,000,000. यानी हर डिजिट के बाद आपको उसकी प्लेस वैल्यू वर्ड्स में लिखनी है. 0 ना लिखकर फर्स्ट क्वेश्चन में 0 लिखी थी, ठीक है. जिस प्लेस वैल्यू पर जितनी 0 आती है उतनी 0 लगाई. इसमें 0 ना लगाकर उन प्लेस वैल्यू को वर्ड्स में लिखना है. तो सभी क्वेश्चन ही इस तरीके से होंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. यानी आपको वापस इसको जिस तरीके से क्वेश्चन दिए थे 1 और 2 में, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो थे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में थे और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था. अब आपको स्टैंडर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो ये क्वेश्चन भी आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया गया था कि आपको इनको ऐड नहीं करना पड़ेगा, आप बस 0 काउंट कर लीजिए. देखिए यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ हैं, 6 के बाद 5 ज़ीरोज़ हैं, 5 के बाद आनी चाहिए थी 40, लेकिन क्या यहाँ पे 40 वाले कोई डिजिट है. नहीं, तो उसकी प्लेस पर आएगा 0. 4 के बाद आनी चाहिए थी 30 वाला नंबर, तो देखें यहाँ 30 वाला भी कोई नंबर नहीं है, उसके प्लेस पर भी 0 आएगा. 3 के बाद आनी चाहिए 20 वाला नंबर, तो 20 वाला हमारे पास नंबर है. और 20 के बाद आने चाहिए 10 वाला नंबर, 10 वाला नंबर भी हमारे पास नहीं है, तो उसके प्लेस पर भी आप 0 लिखेंगे. और 10 के बाद आता है बिना 0 वाला नंबर जो कि हमारे पास है, तो जो नंबर हमारे पास है उसको लिखेंगे, जो नहीं है उसके प्लेस पर 0 लिखेंगे.
ये देखिए, एट लिखा, एट के बाद ये छः ज़ीरो वाला नंबर है, छः के बाद आता है पाँच ज़ीरो वाला नंबर जो कि हमारे पास है टू। फाइव के बाद आता है फोर ज़ीरो वाला नंबर, नहीं है, ज़ीरो लिखा। फोर के बाद आता है थ्री ज़ीरो वाला नंबर, वो भी नहीं है तो ज़ीरो लिखा। थ्री के बाद आता है दो ज़ीरो वाला नंबर, दो ज़ीरो वाला नंबर है हमारे पास नाइन। दो के बाद आता है एक ज़ीरो वाला नंबर जो कि नहीं है तो उसकी प्लेस पर ज़ीरो। और एक के बाद आता है बिना ज़ीरो वाला नंबर, उसकी प्लेस पर लिखा हमने फोर। चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये वन है, वन के बाद फाइव ज़ीरो लगाई, टू के बाद फोर ज़ीरो लगाई, थ्री लिखा थ्री ज़ीरो, टू लिखा टू ज़ीरो, वन लिखा वन ज़ीरो और उसके बाद कोई भी एक डिजिट। ठीक है, तो देखिए फाइव ज़ीरो, फोर ज़ीरो, थ्री ज़ीरो, टू ज़ीरो, वन ज़ीरो और विदाउट ज़ीरो वाला नंबर। तो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ नंबर लिख देना है, वन टू थ्री टू वन वन। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये नहीं दिया, ये ना देकर वो डायरेक्ट इस नंबर पे पहुँचा, यानी फाइव ज़ीरो के बाद आपको सीधा मिली थ्री ज़ीरोज़, तो आप क्या करेंगे, वन लिखेंगे। फोर ज़ीरो वाला नंबर नहीं है तो उसके प्लेस पे ज़ीरो लिखेंगे। फोर के बाद आता है थ्री ज़ीरो वाला नंबर, वो दिया गया है तो उसके प्लेस पर नंबर लिखेंगे। और उसके बाद थ्री ज़ीरो के बाद आता है टू ज़ीरो, वन ज़ीरो और विदाउट ज़ीरो, तो उन नंबर को एज इट इज़ लिख देंगे। यानी कि जो नंबर नहीं दिया उसके प्लेस पे आपको ज़ीरो लिखना है। क्वेश्चन नंबर फोर है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। वर्ड्स में लिखना है यानी कि नंबर नेम लिखना है, तो ये आप पहले भी कर चुके हैं। आप पहले नंबर लिखेंगे, इनको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इसमें कॉमा लगाएंगे। वंस टेंस हंड्रेड कॉमा, थाउजेंड टेन थाउजेंड कॉमा, लैक टेन लैक कॉमा, करोड़ टेन करोड़। ठीक है, तो अब इसे नंबर नेम लिख देना है इसका। ट्वेंटी फाइव करोड़, ट्वेंटी फाइव करोड़, थर्टी सेवन लैक, थर्टी सेवन लैक, फोर्टी थाउजेंड, फोर्टी थाउजेंड, नाइन हंड्रेड एट्टी सिक्स, नाइन हंड्रेड एट्टी सिक्स। तो इस तरीके से आपको पहले भी बताया गया है। आप पहले क्वेश्चन उतारेंगे, क्वेश्चन में सही जगह पर सही कॉमा लगाएंगे और उसके बाद इन्हें वर्ड्स में लिख देंगे।